तो ना व्लॉग आज का यहाँ से शुरू होता है। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। फिलहाल तो मैं भी ठीक हूँ और जिसको मैं पहचानती हूँ सभी लोग, स्पेशली माय फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस, सब लोग ठीक है गाइस। तो चलिए, अभी हो चुका है इवनिंग के वक्त, आप लोग देख सकते हो कपड़ा इन और वॉश करके मैंने यहाँ पर सुखा दिया। एंड भाई क्या कर रहा है ये? पानी दे रहा हूँ। पानी इसे देते हैं क्या? मजाक किया है, इसे देते भाई। पहुंचने के साथ साथ पूरा सब्जी में पानी डाल रहा है। थोड़ा पानी दे देना चाहिए ना इन लोग को भी, जैसे हम लोग का नीड्स होता है खाना आना, इन लोग का भी तो पानी जरूरी है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फेंक के आ जाओ। हाँ छोटाला भाई भी पहुंच चुका है, सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। दोनों साथ में बैठेंगे, गपशप, बातें, नॉन खाएंगे, पियेंगे, फिर बहुत ज़रा मस्ती होगा। और भाई जब तक रहेगा ना, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को कौन सा वाला रेसिपी चाहिए या तो क्या चैलेंज हम ऐसे लेके आएंगे, आप सब देख के अच्छा लगे। तो गाइस स्टे ट्यून, अभी मैं फिर से अंदर जाऊँगी। पानी फिलहाल आ रहा है ना, बकेट को फिर अंदर रखने देगा, तो थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस सबको। तो अभी हो चुका है सुबह, अभी हम थोड़ा देर पहले उठाए। मेरा बाल देखो, हम फ्रेशअप भी नहीं हुए, तो सब बिस्तर से मिला के अभी हम थोड़ा बाहर आए, थोड़ा सुबह सुबह का धूप खाएगा बोल के। तो देखते हैं और क्या करेगा, तब तक तो झाड़ू मारे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? झाड़ू मार रहे हैं। झाड़ू मार रहे हैं, सुबह सुबह झाड़ू मारने लग गया। तो सुबह सुबह धूप में क्या पा रहा है, बात भी करो। अभी क्यों कर रहे इतना धूप में? टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, टाइम को कदर करो। टाइम नहीं है भाई, हम सब काम एक रुक काम को रुकते रहने से भी तो नहीं होता है, काम करते रहना चाहिए। इतना काम अभी ख़त्म कर देगा तो बाद में फिर करने के लिए नहीं रहेगा ना, मतलब टेंशन नहीं रहेगा, वही है बात। चलो देखते हैं, ये सब तो ठीक है। ब्रेकफास्ट सब तो नहीं, लेकिन चलो ब्रेकफास्ट देखिएगा क्या बनाया है। ओहो ऐसी क्या है, ओ देख क्या पत्ता है, तीता पत्ता का साथ में बनाया है। ओह टेस्टी लग रहा है देख के तो। उसके बाद यहाँ में है वो आमलेट बनाया है ना, कुछ कर दिया, पानी भी भर दिया, हम तो सो के उठे ही है। वाह सुबह सुबह इतना कुछ कर दिया, अभी कर अभी भी कर रहे हैं ना, फिर बाद में पता नहीं करेगा ही होगा क्या क्या काम जानते क्या। चलो गाइस तो हम मिलते हैं आपको फ्रेशअप होने का बाद। तो गाइस हम हो चुके हैं फ्रेशअप और अभी हम ब्रेकफास्ट खाएगा। तो ब्रेकफास्ट में जो हम दिखाया था ये ढेकिया पत्ता और तीता पत्ता का जो बॉयल बनाया था भाभी, वो ऑमलेट खाना, उसके बाद में हम मैगी भी बना दिया था थोड़ा सूप करके, तो अभी हम खाएगा। मीट मछली कुछ भी नहीं है भाई, मीट मछली ऐसे भी इतना कपटी खाना है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है। वही हम भी सिंपल ही खा देते हैं ना। अंडा अच्छा है उनसे तो। टेस्टी है? अच्छा। अच्छा से खाओ हाँ। और तेरा ये सूप जो कब पीगा रे? कौन पी के दिखाता है? ये भी अच्छा है, हम सिंपल से बनाया था। अब फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, तो मेरा मुँह ही जल जाएगा हमें इतना डायरेक्ट खा देगा तो बहुत टेस्टी है। देखिए पता बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है, ऊपर से ग्रीन वेजिटेबल है तो सेहत के लिए भी अच्छा है, हेल्दी है।
आज तो सिंपल खाना ही खाओ, कल सुबह हम दोनों मीट लेने जाएगा। हाँ सो फाइनली हम लोग का भाई आ चुका है, उसको ना हम भेजा था मार्केट में। तो भाई क्या क्या लाया, जल्दी आओ। उसको ना हम विंग्स लाने के लिए भेजा था, और उसके बाद हाँ और ग्रीन वेजिस, क्योंकि आज हम भाई के लिए पका के खिलाने वाला है चिकन विंग्स। जल्दी आओ। वाओ क्या क्या लाया बाबू। हम विंग्स लाया था, उसके बाद पे आपका तेल है, बहुत गर्म है ना, ऊपर जाओ। सो फाइनली भाई आ चुके हैं मार्केट से, बहुत कड़क वाला धूप दे रहे ना मैं ना। क्या क्या लाया, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है कुत्रा हाक, तो अलग भाषा में क्या होता पता नहीं। इसको पूरा ड्राई फ्राई करके खाएंगे ना हम दोनों। ये हो गया। इसके बाद में हम लाया था रिफाइंड ऑयल। ओके। इसके बाद में चिली। ओके। तो यहाँ में हम लोग का विंग्स है, विंग्स और विंग सेंटर में। ये देखो गाइस, विंग्स पका के खिलाएगा आज हम भाई को ना। हाँ। तो दोस्तों अभी हो चुका है दिन के वक्त, और भाई को मार्केट भेजा था, वो भी वापस आ चुका है। सो आज मैं पका के खिलाने वाली हूँ चिकन विंग्स फॉर माय लिटिल ब्रदर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो गाइस, अगर आप सबको मेरा वीडियो हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगा तो। सो चलो अभी चलते हैं किचन की ओर, और भाई अभी किचन जाएगा ना, चिकन विंग्स खाएगा बोल रहा था ना। टू बी ऑनेस्ट, जब से आया है चिकन विंग्स खाएगा, चिकन विंग्स खाएगा हो गया, इतना डिमांड कर रहा था, लेकिन बाहर जाने नहीं सके, इतना धूप भी है ना किसी जगह, आज तो बर्दाश्त नहीं हो गया, चिकन विंग्स भी लाया है। सो आई एम रेडी टू कुक फॉर माय यंगर ब्रदर, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पे बढ़िया से आग भी जला दिया, रोस्ट के लिए यहाँ पे रखा है मैंने, तो इसको कैमरा पकड़ो होगा। अभी भाई हम दोनों किचन में पहुँच गया गाइस, अभी चिकन विंग्स को मैं करूँगी रोस्ट, और रोस्ट होने के बाद अच्छा से वॉश करूँगी, आफ्टर वॉश फिर उसके बाद में पकाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहो गाइस, और ना स्पेशली भाई को ये वाला किचन जो बहुत अच्छा लग रहा है बोला है, बेम्बू घर बेम्बू हाउस में मतलब बैठने के लिए बहुत अच्छा लगता है बोल रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग को एक सवाल करना चाहूँगी, सवाल मतलब आप सभी लोग से मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो गया था बेम्बू हाउस घर बनाना, तो आप लोग ने तो मुझे विश भी नहीं किया है, तो थोड़ी सी नाराज़ हूँ मैं, बट इट्स ओके। और देख सकते हो यहाँ पे भाई जो साग को साफ कर रहे हैं ना, कैसे खाने दिले इसको, ये हम ड्राई फ्राई खाने पसंद करेंगे, ड्राई फ्राई ना, एक्चुअली हम ही करना था लेकिन अभी बहुत देर हो गया ना, 12:30 हो गया, इसलिए भाई हमको हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है गाइस, बहुत हेल्प करते हैं मुझे, हम अकेला उनसे तो बहुत तकलीफ होना था, अभी भाई है बोल के बहुत सहायता मिल रही है मुझे। और यहाँ पे विंग्स भी बहुत अच्छा से रोस्ट हो रहे हैं। तो गाइस अभी हम भाभी इसको मैरिनेट कर चुका है, उसके बाद में तेल भी बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा है ना, बहुत बहुत ठंडा ठंडा है बहुत। नहीं देगा हम अभी। अरे हम भी सोच रहा था कि ठंडा लग रहा है, तो कंबल वो साइड में बिस्तर लगा के ना थोड़ा आग जला के और भी ज़्यादा से बच जाएगा बोल के। जोक सपाट हम लोग का ये हो गया, और हम लोग जब ये पूरा गर्म हो जाएगा तो इसको भी बिठा देगा, उसका बाद में जब बन जाएगा धीरे धीरे दिखाते रहेगा आप लोग को भी। तो गैस हम लोग का तेल हो गया पूरा गर्म, तो अभी इसका अंदर जाएगा हम लोग का विंग्स, विंगी विंगी। गाइस अभी हम लोग का हो रहा है चिली और अनियन फ्राई, थोड़ा सॉटे करने के बाद में हम लोग इसमें जो पत्ता हम लोग बनाया था ये बनाया था मतलब जो लाया था ये वाला, तो अभी हम लोग इसको भी फ्राई करेगा बनाएगा ड्राई फ्राई बनाएगा। अभी ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा है ना, वो दिखने के लिए इतना ज़्यादा है, पूरा पूरा मेरा टोकरी भर गया उससे, लेकिन वो बाद में जब बन जाएगा ना तो थोड़ा सा ही निकलेगा।
पूरा ओवरफ्लो होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग इतना कम के हो जाएगा ना, पर इससे आ गए। दाल पकाते समय पूरा गंदा हो चुका है यहाँ पे दाल। देखो इतना ज़्यादा था, अभी से कम की हो गई है। तो मेरा घर आप सबको कैसा लगा, आप लोग भी विश कर देने से ठीक है गाइस। देखो गाइस हम लोग इतना ज्यादा लाया था, मेरा बाल बराबर है ये, हम लोग इतना ज्यादा लाया था और देखो ये कितना हो गया, कितना 3 आदमी खा सके उसने इतना ज्यादा लेके आया था, बहुत ज्यादा है ये, दिखने के लिए ज्यादा होता है लेकिन जब बनाते थे बहुत कम हो जाता है ये। गाइस हम मुझे बन गया था थोड़ा सा, बन ही रहा है अभी भी, देखो बन रहा है अभी बहुत है, फिर भी हम सोचे कि ट्राई करके देखेगा क्या कैसा है वो क्या, तो बहुत अच्छा है, नमक भी ठीक है। हो गया ये पक गया, हम लोग का सब्जी पक के रेडी, ऐसे तो हम लोग का हो गया बन के रेडी, टेस्टी लग रहा है, जब बन जाएगा तब भी मिलता है आप लोग को, तब तक के लिए बने रहो। ये देखो अभी इतना तक पक चुके हैं और यहाँ में स्टिल पक रहा है। गाइस देखने के लिए और खाने के लिए बहुत सुंदर दिखता होगा, लेकिन ओह माय गॉड पकाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, फिर उसको पीस करना है, वॉश करना है, फिर फ्राई करना है, आग में पका के खाना, ओह माय गॉड इतना गर्मी है ना, पता नहीं आप लोग का वहाँ में गर्म लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही गर्म, आप लोग देख सकते हो गाइस पूरा ऑयली हो चुका है ना मेरा फेस, क्या करेगा अभी, भाई को खाने डील कर रहे हैं, बोला है चिकन विंग्स, दिस आर ऑल द लास्ट पीसेस इन द हॉट ऑयल, तो हो गल ये, तो भाई तो तीनटा ऊल् दीसू, लास्ट ये चाह पे गाइस बहुत टेस्टी हो दे, चाहिए खाले मन गई ना ये चाह पार पूरा ड्राई फ्राई बनाई दिल आज तो खूब भाल पा भात खाई कि वाओ फुल ऑफ फ्राइड चिकन विंग्स, देखो गाइस बहुत टेस्टी से मैंने फ्राई किया, सब तो नहीं खा पाएगा, अभी थोड़ा खाएगा फिर उसके बाद में बाद में थोड़ा खाएगा, और यहाँ देख सकते हो दोस्तों ओ माय गॉड पानी सुधे। अच्छू भैया जो हम लोग को भैया भाभी को 2 नारियल भेजा था, तो एक तो काट दिया था और एक तो हम लोग का जो बचा हुआ था हमको मिला था, तो हम क्या कर दिया वो भी काटा है आज, और ये इसका अंदर से निकला है, हम फर्स्ट टाइम काटे हैं नारियल, और इतना थोड़ा हमको मुश्किल तो लगेगा, फर्स्ट टाइम था वो, देखो उसका हालत उसको क्या कर दिया हमने छील दिया, जैसे तैसे हम छील दिया लेकिन फिर भी निकल गया, देखो बहुत टेस्टी है इतना ज़्यादा निकला है। तो गाइस हम मेरा थाली लेके बैठ गए, जैसे कि आप लोग देखा है चिकन विंग्स हम लोग का बन गया, कि हम लोग का कुछ रहा साइड में, हम दे दिया अपना कोकोनट खाना दाल, और अभी हम खाएगा, हम बताएगा आप लोगों को टेस्ट कैसा है। तो बहुत टेस्टी है कुछ रहा, अभी हम लोग का चिकन विंग्स ट्राई करेगा, समझ जाओ और आप लोग कैसा लग रहा होगा, बहुत टेस्टी है अभी विंग्स।
मेरा जैसा लग रहा है तो सुना क्रंच सुना दिया आप लोगों देखो आप लोग क्रंच सुनो बहुत टेस्टी है गाइज बाहर इन गरम आसे ना तो मैं ब्लॉग तो यातले खत्म करिम लग पाम आरु नेक्स्ट भिडिओ दे तेतियालके भालके थाकक भालके थाकिबो आरु जुने चेनेल इतियालके सबस्क्राइब नाइ करा करि दिबो जदि आमार भिडिओ आमार चेनेल भाल लागे जदि आरु ना गाइज मनत माने बहुत भाल फील होइसे केले माने भाई जितिया पर आइसले चिकेन विंग्स बनाइकिनि खामले दुइ तीन बार मान कइसले तेतिया मय बहुत बिजी आसलु तारपछत तारु माने पेट बिक माथा बिक उलाइ गइसले हेतु कारणे बाहर बजार जाबले माने कोनो मानु नासिले तो आजि फाइनली तार गाओ भाल होइसे तारपछत हि ताइ निजे गइ किनि बजार पर चिकेन विंग्स लय आनिले तारपछत मय बनाइ किनि खुवाइ दिलु तो इटा माने मनत बहुत भाल लागि आसे आरु इटु भिडिओ जिमान जने साइसे सबर मा देउता तारपछत भाई ककाय बाइदेउ आंटी आंकल फ्रेंड्स जिमान बुर सबे साइ आसे आपना लोकक सबक मय थैंक यू सो माच मय दिल पर कय आसु आरु नेक्स्ट भिडिओ जिमान भी आइ थाकिबो आपनि लोके हदाय साइ थाकिबो गाइस एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है ना इसलिए मैंने रूम पे ही व्लॉग ख़त्म किया डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे बाय बाय